फाइनली एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है आप सभी की टीवी से रिलेटेड स्मार्ट कनेक्ट वेरिएंट के बारे में। आज आपको वीडियो में एक बहुत बड़ा न्यूज़ बताने वाले स्मार्ट कनेक्ट वेरिएंट के रिलेटेड। कब तक आपको आपकी स्मार्ट कनेक्ट वेरिएंट इन्हों मिल जाएगी, क्या कुछ बड़े फीचर स्पेक्स लेके आएगी आपकी स्मार्ट कनेक्ट वाली वेरिएंट, और क्या कुछ 2 से 3 आपको चेंजेस वहां मिल जाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को पता है टीवीएस रेवर 125cc वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग बाइक बन चुकी है और ऑलमोस्ट वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग बाइक भी बनने वाली है। बहुत शानदार इस गाड़ी का रिस्पॉन्स ओवरऑल 125cc सेगमेंट में, और 125cc सेगमेंट में अच्छा खासा डिमांड गाड़ी का हो चुका है। तो इसमें आपको पता है कंपनी आपको स्मार्ट कनेक्ट फीचर प्रोवाइड करती थी। आपको कंपनी ने क्लियर कट दावा किया था कि आपको हम स्मार्ट कनेक्ट फीचर देंगे, लेकिन कंपनी ने इसका जो डिस्ब्रेक मॉडल लॉन्च किया उसमें कंपनी ने ऐसा अभी तक कोई भी प्रोवाइड नहीं किया फीचर जिसमें कि आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सके डिस्प्ले से, साइड बाई साइड गूगल नेविगेशन मैप का सपोर्ट ले सके या और इसके फीचर्स का एक्सेस कर सके। कंपनी ने ऐसा कुछ अभी तक प्रोवाइड नहीं किया, जो कि कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज ही बात है कि कंपनी स्टार्टिंग में इस गाड़ी की लॉन्चिंग में बोला था जब ये गाड़ी लॉन्च हो रही थी कि आपको हम डिस्ब्रेक वाले वेरियंट में स्मार्ट कनेक्ट फीचर्स प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ये फीचर्स आपको अब कुछ ही टाइम में आके मिल जाएंगे। आपको एक और वेरियंट आएगी जो इनकी ऑल न्यू रहेगी, जहाँ की आपको स्मार्ट कनेक्ट की बैचिंग देखने को मिल जाएगी। अगर आप इसके हेडलैम्प के पास रहेंगे तो आपको वहाँ पे एक स्मार्ट कनेक्ट और बैचिंग वाली आपको मिल जाएगी। उस गाड़ी की अगर हम बात कर लें तो क्या कुछ अपडेट देखने को मिलेंगे, देख आपको उसका जो मीटर कंसोल रहेगा वो आपको TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, मतलब अच्छा ब्राइट डिस्प्ले रहेगा और ज़्यादा आपको क्लियर दिखेगा, क्लियर विजिबिलिटी रहेगी और थोड़ा बेटर रहेगा। उसका जो रिजोल्यूशन है वो आपको और बेटर देखने को मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ आपको वहाँ पे स्मार्ट कनेक्ट की फीचर देखने को मिल जाएंगे, ब्लूटूथ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको वहाँ पे एक ब्लूटूथ का ब्लिंकर भी देखने को मिल जाएगा जहाँ कि वो ब्लूटूथ ब्लिंक करेगा। तो आपको वहीं से आइडिया लग जाएगा कि आपको ये स्मार्ट कनेक्ट वाली वेरिएंट रहने वाली है। उसके बाद आप उस वेरिएंट में अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं, साइड बाई साइड गूगल नेविगेशन मैप का सपोर्ट ले सकते हैं और जो फ़ोन कॉल नोटिफिकेशन होते हैं वो भी आपको वहाँ पर शो करेगा। उसके अलावा उस वेरिएंट में आपको हम आपको बता दें लगभग 2 से 3 हज़ार प्राइस इंक्रीजमेंट होते हुए मिल जाएगा। 2 से 3 हज़ार वो आपको वेरिएंट महंगी पड़ेगी, ये चीज़ कंफर्म है कि आपको जो नॉर्मल वेरिएंट देखने मिलती है जो कंपनी अभी करेंटली डिस्प्ले प्रोवाइड कर रही है इसके ऑनर प्राइसिंग लगभग 1,05,000-1,08,000 के आसपास पड़ रही है, लेकिन वो लगभग आपको 1,10,000-1,09,000 के आसपास ऑनर कॉस्टिंग करेगी। मतलब जो आपकी डिस्प्ले है उससे लगभग 2 से 2,500 महंगी पड़ सकती है, क्योंकि आपको वहाँ पे थोड़े अच्छे फीचर्स न्यू मिल जाएंगे, स्मार्ट कनेक्ट फीचर मिलेगा, मीटर कंसोल में थोड़े बहुत आपको जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वो मिसिंग रहती है तो वो आपको न्यू मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्राइसिंग वाइज बिल्कुल आपको डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। कब तक आपको ये शोरूम में अवेलेबल रहेगी गाड़ी, तो लगभग अभी भी आपको 1 से 1.5-2 महीने वेट करना पड़ेंगे इस वेरिएंट के लिए। कंपनी ने अभी तक इसका जो डिस्क ब्रेक वेरिएंट है या ड्रम वेरिएंट है, ड्रम वेरिएंट का भी बहुत लोग वेट कर रहे हैं, ड्रम वेरिएंट कंपनी अभी तक अवेलेबल नहीं करा पाई है, किसी भी शोरूम में की ड्रम वेरिएंट अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाई है। तो कंपनी बिल्कुल फोकस करी हुई ड्रम वेरिएंट कितनी जल्दी से जल्दी अवेलेबल करा दे, कि बहुत लोग ड्रम वेरिएंट का बेसब्री से वेट कर रहे हैं, बहुत लोग ड्रम वेरिएंट लेना भी चाहते हैं, कि जो ड्रम वेरिएंट की जो प्राइस डिफरेंशिएशन कंपनी स्टार्टिंग वाली थी लगभग 10 रुपये का प्राइस डिफरेंशिएशन देखने को मिला था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं देगा क्योंकि जो इसकी डिस्ब्रेक मॉडल थी उसमें आपको स्मार्ट कनेक्ट फीचर देखने को मिलने वाला था, लेकिन अभी तक कोई भी आपको ऐसे स्मार्ट कनेक्ट फीचर देखने को नहीं मिला। इसलिए जो इनकी डिस्ब्रेक मॉडल है उसमें कोई ज़्यादा आपको प्राइस डिफरेंशिएट डिस्को ड्रम में बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा, और हो सकता है कंपनी आपको ड्रम वेरिएंट ना प्रोवाइड करे, कंपनी इसकी जो स्मार्ट कनेक्ट वेरिएंट वाली वर्जन है उसको प्रोवाइड कर दे, क्योंकि ग्लैमर एक्सेस जो सबसे बड़ा कंपटीशन है रहा है टीवी सेडर का, क्योंकि आपको ग्लैमर एक्सेस में स्मार्ट कनेक्ट फीचर्स नहीं मिलते उनके, वहीं पे आपको जो टीवी सेडर है वहाँ पे आपको स्मार्ट कनेक्ट फीचर्स नहीं मिलते हैं। तो बिल्कुल कंपनी आप सभी के सामने स्मार्ट कनेक्ट फीचर लेके आ सकती है कुछ टाइम में, तो थोड़ा टाइम आपको और वेट करना और इन अपकमिंग डेज आपको ये अच्छा फीचर बिल्कुल नहीं मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी वीडियो अच्छा लगेगा, तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि रोजाना आप सभी के लिए हम लेटेस्ट कंटेंट कवर करते हैं और कोशिश हमारी यही रहती है कि आपको हम बाइक को स्क्रू दिया से अप टू डेट रखें। बाकी अगर आप सभी के मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग हमसे कमेंट से बेझिझक पूछ सकते हैं। बाकी एक हम डिटेल वीडियो कवर करेंगे जब वो गाड़ी लॉन्च हो जाएगी, तो पूरा एक हम उसका डिटेल वीडियो कवर करेंगे, तो चैनल को उसके लिए सब्सक्राइब करना।